पराठे मैंने फोल्ड किए थे, उसको उनको रेस्ट मिल चुका है। और मैंने ये दो स्पाइरल हैं, ये जो है प्लीट फोल्ड है, और ये एनवेलप फोल्ड है, और ये जो है वो स्क्वायर फोल्ड है, और बाकी मैंने जो है सारे कोन फोल्ड बनाए, क्योंकि मेरे घर में मुझे इजी रहता है, कोन फोल्ड जल्दी से फोल्ड हो जाता है। तो अब इसको मैं आपको फ्रीज करने की टेक्निक भी दिखाती हूँ, और इसको फ्राई करने का भी तरीका दिखाती हूँ। ठीक है, आइए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि पराठों को हमें कैसे बेलना है और उनको कैसे फ्राई करना है। मैं आपको एक पराठा छोटा वाला, जो बहादुराबाद का मशहूर पराठा है, उसका टेक्निक दिखाती हूँ, जो बहुत छोटा सा होता है, आपने देखा होगा जिन्होंने खाया है। हम इसको सरफेस को ग्रीस करेंगे, ठीक है, और हम जो है ये डो को मैंने रखा। अब इसको मैं मेरी ग्रीस किए हुए हैंड से इसको मैं सिर्फ छोटा सा शेप दे दूंगी, लेकिन कितना छोटा है, बस दैट्स इट। अगर आपको इसको भी फ्रीज करना है तो आप उसी मेथड में इसको फ्रीज कर सकते हैं, ठीक है। और अब मैं इसको आपको फ्राई करना दिखाती हूँ, हम इसको किस तरह से फ्राई करेंगे, ये देखते हैं हम इसको कैसे फ्रीज करेंगे। तवा मैंने गर्म कर लिया है, उसको मैं अभी ग्रीस किए बगैर, तवे पे तेल लगाए बगैर मैं पराठे को रख दूंगी, ठीक है। एक दो मिनट के लिए इसको मैं थोड़ा सा पीछे से पकने दूंगी, हम यहाँ से चेक करेंगे, हल्का हल्का सा ये पकेगा, इसके बाद हम इसको टर्न करेंगे और इस पर जो तेल वगैरह हमें ऐड करना है वो हम करेंगे। आप देख सकते हैं मैं इसको टर्न करने लगी हूँ, ये मैंने टर्न कर लिया। अब इसके जो है इस स्टेज पे आके मैं तेल ग्रीस कोल करूंगी, लो टेबल स्पून इसमें तेल जाएगा, क्योंकि जाहिर है इसको हमको राइस देना है पराठे को। और आप इसको इस तरह से प्रेस करते जाएंगे और इसकी लेयरिंग्स बनती जाएंगी। आहिस्ता आहिस्ता ये थोड़ा सा, क्योंकि मोटा पराठा होता है, छोटा सा होता है, तो इस टाइम लगता है इसको राइज होने में। आप देखें यहाँ पे इसके जो लेयर्स बन रहे हैं, यहाँ पे ये देखें आप, बहुत अच्छे से इसके लेयर्स बन रही हैं। क्लोजअप भी दिखाती हूँ कि किस तरह से इसकी लेयरिंग हो रही है, आप देख सकते हैं, देखिए इसकी लेयर्स जो है आपको नजर आएंगी। इसकी लेयर्स फॉर्म हो रहे हैं, अच्छे से ये पका है, वेल डन हो गया है। अब मैं इसको डिश ऑफ करूंगी, थोड़ा सा यहाँ से मैं और गोल्डन ब्राउन करूंगी। मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा पका हुआ पराठा नहीं अच्छा लगता, इसलिए मैं इसको बस यहाँ पे मैं इसको खोल दूंगी। ये देखिए आप यहाँ पे, यहाँ पे इसको सर्व करके भी खाऊंगी कि किस तरह से इसकी लेयर्स निकल रही हैं। या फिर ये देख सकते हैं आप इस तरह से इसकी लेयर्स भी आ रही हैं, ठीक है। ये देखिए ये छोटा वाला पराठा जो है वो बिल्कुल रेडी है, इसकी लेयर्स आपको मैं दिखाती हूँ खोल के। ये देखिए आप, बहुत गर्म है, लेयर पराठा बना है बिल्कुल। ये देखिए इसकी लेयर्स को मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, कितने अच्छे लेयर्ड पराठा बना है, बिल्कुल अच्छे इसके, बहुत ही लच्छेदार, बहुत ही मजे का पराठा बना है। बिल्कुल ये रेडी है, कुक्ड है, बिल्कुल कच्चापन नहीं है इसके अंदर, ठीक है। आगे अभी हम लोग दूसरा पराठा देखते हैं कि नॉर्मल पराठा हम कैसे बेलेंगे और कैसे उसको हम सेकेंगे। ये मैं बना रही हूँ स्पाइरल फोल्ड पराठा, ठीक है। स्पाइरल फोल्ड को अभी इतना नरम हो चुका है रेस्ट होने के बाद, आराम से आप इसको अगर बेलन से ना भी बेलना चाहें तो आराम से देखें, इतने आराम से फैल रहा है। आपने देखा होगा कि जो ढाबे पे बनाते हैं तो वो उसको बेलते नहीं है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा उन्होंने रेस्ट दिया हुआ होता है पराठों को,
कि वो आराम से आकर ना बेल सकते हैं इसको अपने हाथों से ही, सिर्फ इसको वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी आदत नहीं है तो आप आराम से इसको बेल भी सकते हैं, ताकि आराम से बिल्कुल बेल जाएगा, बिल्कुल ये फटेगा नहीं बीच में से। हम देखते हैं कि इसको हमें फ्राई कैसे करना है। आप देख सकते हो कि इसमें लाइंस आपको ये लेयर्स की नजर आ रही हैं। ये अभी हम इसको फ्राई करते हैं तो आपको और अच्छे से वाजे हो जाएंगे इसकी लेयर्स। तो अब मैंने गरम कर लिया है, अब मैं अपना पराठा इसमें रखती हूँ। आराम से देखो इसको आप रखें बहुत आराम से, और इसको फौरन तेल नहीं डालना है, तेल बाद में डालेंगे हम। एक इसको जो हीट लग जाएगी उसके बाद हम तेल डालते हैं, तो बहुत अच्छे से पकता है, क्योंकि ये डीप फ्राई नहीं कर रहे हैं। इन्हीं पराठों को आप डीप फ्राई करना चाहें, क्योंकि पूरियां नहीं है तो डीप फ्राई के लिए आप इसमें बीच में होल कर दें और फिर आप इसको डीप फ्राई करेंगे तो ये बिल्कुल है ना, जो हम लोग बारबेक्यू वगैरह के लिए जाते हैं और वहाँ पे जो पराठे होते हैं बोटी वगैरह के साथ, टिक्के के साथ जो पराठे आते हैं वो यही पराठे होते हैं, लेकिन उसको डीप फ्राई किया हुआ होता है। ठीक है, अब मैं इसको होल्ड करने लगी हूँ। देखिए हल्का हल्का पक गया है। आपको आँच भी बहुत ज़्यादा तेज नहीं रखनी है। ठीक है, अब हम इसमें करूंगी जितना मुझे चाहिए। जाहिर है आप पराठा बना रहे हैं तो आपको तेल तो चाहिए। अगर आपको जो है वो सुलेमानी पराठा खाना है, जो कि आपके पराठे के अंदर ऑलरेडी घी मौजूद है, तो आपको अगर चाहिए कि आप इतना ऑयली नहीं खाना चाहते हैं तो आप इसको बगैर तेल के भी तलेंगे, सेकेंगे तो ये बहुत अच्छे से सिक जाएगा, बहुत अच्छे से इसकी लेयर्स बनेंगी। आप देखेंगे किस तरह से इसकी लेयरिंग शुरू हो रही है, फूल रहा है पराठा आराम से, बहुत अच्छे से राइज हो रहा है, बहुत अच्छे से इसकी लेयर्स बनेंगी। देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट ये पराठा डन है, बहुत अच्छी से इसकी लेयर्स आ गई हैं, बहुत अच्छे से ये पक गया है, इसको गोल्डन ब्राउन कर लिया है मैंने। ये देखें इसके लेयर्स, बहुत अच्छे से लेयर्स इसकी निकली हैं। मैं आपको करीब से भी दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं। देखिए इसके लेयर्स, ये देखें अच्छा जो निकल रहा है, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही माशाल्लाह अच्छा पराठा बना है। इसको चाय के साथ सर्व कीजिए और देखते हैं कि नॉन स्टिकिंग पैन में अगर हम पराठा तलते हैं तो उसका क्या इफेक्ट आता है, कैसा आता है। ठीक है, तो मैंने मेरा नॉन स्टिकिंग पैन जो है फ्राई पैन गर्म कर लिया है, मेरे पराठा इसमें प्रेस कर रही है। इसको भी आपको थोड़ी देर के लिए हीट देनी है, इसके बाद हम इसको टर्न करेंगे। के इफेक्ट में तो इतना ज्यादा फर्क नहीं आता, लेकिन वो तवा जो है वो एक अलग इफेक्ट, अलग वो उसका लुक आ जाता है, लेकिन टेस्ट वगैरह में सब कुछ सेम है। तो जैसी आपकी मर्जी, आप जिसमें है ना करना चाहें, जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हैं आप उसमें पकाइए आराम से। और ये देखिए मैं इसको जो है वो तले बगैर, मतलब मैं उसको सुलेमानी पराठा की शक्ल दे रही हूँ कि आपको मैं ये दिखा रही हूँ कि बगैर तेल के मैं इसको तल रही हूँ, सेक रही हूँ। ठीक है, तो ये देखें आप, तो सिर्फ थोड़ा सा ग्रीस किया हुआ पैन है, थोड़ा सा मैं इसमें बिल्कुल, ताकि ये लेयर्स इसकी उठें, तो बहुत ही थोड़ा सा 1/4 टेबल स्पून टीस्पून जितना मैंने इसमें ऑयल ड्रिजल किया है, बहुत ही थोड़ा सा, ताकि इसकी लेयर्स को उठने में दिक्कत ना हो। वो बेचारी बैठ गई हैं, आराम कर रही हैं, तो हमने कहा कि भाई उठ जाओ। लेकिन ये भी फूल रहा है, आप देखिए कि मैंने इसमें कोई ज्यादा तेल वगैरह नहीं डाला है, तो कितने अच्छे से ये फूल रहा है। तो आप अगर बगैर तेल का खाना चाहते हैं, क्योंकि घी ऑलरेडी उसमें है, कुछ लोग नहीं चाहते कि वो बहुत ज़्यादा ऑयली पराठा खाएं, तो इस तरह कर सकते हैं। और आप घी की जगह ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, आप यही पराठा नॉर्मल गेहूं के आटे में भी बना सकते हैं। लेकिन पराठा जो है वो कहते हैं ना कि मतलब जो चीज़ जैसे बनती है उसको उसी तरह सर्व करें तो ज़्यादा मज़ा आता है, ज़्यादा जायका देती है। आप देखें बहुत अच्छे से ये सिक रहा है नॉन स्टिकिंग पैन में ऑयल के बगैर, थोड़ा सा टाइम लगता है, उसका कलर नहीं आता, थोड़ा सा देर लगती है लेकिन बन जाता है। देखिए अभी राई होने लगा है, ऑलमोस्ट डन है, तो इसको मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। और
देखें ये सुलेमानी पराठा मेरा बिल्कुल डन हो गया है। अब मैं इसको आपको अच्छी तरह से सर्विंग दिखाती हूँ इसकी। देख सकते हैं कि पराठे रेडी हैं। ये वो वाला पराठा है जो मैंने नॉन स्टिकिंग पैन में बिल्कुल 1/4 टीस्पून ऑयल के साथ मैंने सेका, और इसकी आप देखें कि लेयर्स मतलब हाथ में लेने से वो लेयर्स निकल आती हैं, वो टूट रहा है, बहुत क्रिस्पी बहुत मज़े का बना है। देखें आप, इसकी लेयर्स आप देख सकते हैं, बहुत क्रिस्पी बहुत मज़ेदार बनते हैं। इसको आप चाय के साथ खाइए। और दूसरे जो पराठे मैंने सेके थे तेल के साथ तवे पे, ये मेरा नॉर्मल तवे वाला पराठा है। देखें बहुत सॉफ्ट बहुत मज़े का, इसके लेयर्स को आप देख सकते हैं आप, या इसके लेयर्स को देखें। आपको मैंने तलते हुए भी इसकी लेयर्स दिखाई, बहुत अच्छे से इसकी लेयर्स निकली हैं। और ये जो छोटा वाला पराठा मैंने बनाया था, ये छोटा वाला पराठा, ये देखें आप कितना लेयरफुल बना है, कितना अच्छा, बहुत अच्छा ये छोटा बिल्कुल मिनी पराठा है। तो एंजॉय कीजिए और दुआओं में याद रखिए, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्दी। अस्सलाम वालेकुम।